आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्स इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है कि हमें तीन टाइप के टॉक की रिक्वायरमेंट होती है यदि हमें उस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग चाहिए। तो उसमें तीन टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट सॉरी टॉक होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट होते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉक, सेकेंड होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और जो थर्ड होता है वो होता है डैम्पिंग टॉर्क। अब वन बाय वन इनके बारे में यदि हम देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे इन टॉर्क की वजह से, तो यदि हम फर्स्ट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा द टॉर्क विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। मतलब जो पॉइंटर है उस इंस्ट्रूमेंट का उस स्केल पर उसको अपनी इनिशियल पोजिशन, और इनिशियल पोजिशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब उस इंस्ट्रूमेंट से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी तो वो कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा, और रीडिंग शो होगी तो वो पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। अब और उस इंस्ट्रूमेंट में जो भी जिसमें भी हमने क्वांटिटी मेज़र करने को दी है उससे कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, उसमें जो पॉइंटर है वो फुल स्केल की पोजीशन तक पहुंचेगा। फुल स्केल की पोजीशन तक पहुंचेगा तो वहाँ पे जो हमें एक्चुअल वैल्यू दिखानी चाहिए थी उस पॉइंटर को, वो वैल्यू ना दिखा के वो पूरी जो स्केल की लास्ट वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, वो हमें शो हो रही होगी। क्यों होती है, क्योंकि कंटिन्यूस एक ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। किस वजह से, कि उससे कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रही है, तो उस कंटिन्यूस करंट फ्लो होने के कारण उसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण जो पॉइंटर है वो फुल स्केल वैल्यू पे जाके रुकता है। तो हमें फुल स्केल वैल्यू तो नहीं चाहिए, जो क्वांटिटी हमने मेज़र करने को दी है वही क्वांटिटी हमें मेजरमेंट होके मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टॉक और यूज़ करते हैं, वो होता है कंट्रोलिंग टॉक, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले डिफ्लेक्टिंग टॉक को देख लेते हैं। इसमें जो है अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं, अलग अलग इफ़ेक्ट्स जो हैं उसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट है मैग्नेटिक टाइप इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक टाइप इफ़ेक्ट में क्या है, ये मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में काम आता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट किसमें काम आता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स में। ये अलग अलग इफेक्ट है जिसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉक जनरेट किया जा सकता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, ये अलग अलग है जिसमें हम आगे सेकेंड यूनिट जो है हमारी उसमें जब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो वन बाई वन देखेंगे कि ये किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो देख सकते हैं आप। अब यदि हम आगे देखें तो यहाँ पे यदि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है और डीसी और एसी दोनों के लिए सूटेबल होता है। इसका रीज़न भी आगे मैं सेकेंड यूनिट में बताऊंगी कि क्यों ये दोनों इसमें यूज़ होते हैं। इनके मूविंग आयरन टाइप के एमिटर और वोल्टमीटर होते हैं। मूविंग कोयल यदि है तो वो सिर्फ डीसी के लिए काम आएगा, और वो किस इफेक्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पर। ये भी एमिटर और वोल्टमीटर बनाए जा सकते हैं। डायनोमीटर टाइप क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पे काम करता है, सिर्फ ये दोनों डीसी और एसी पे काम कर सकता है। इसके एमिटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर और काम में बनाए जा सकते हैं। इंडक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो किस पे काम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पे, और ये सिर्फ एसी के लिए काम आएंगे। इनके एमिटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इनसे बनाए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क लग रहा है उसकी वजह से जो पॉइंटर है वो क्या कहाँ जाके रुक रहा है, फुल स्केल वैल्यू पे। फुल स्केल वैल्यू पे यदि रुक रहा है तो हमें उसे डिजायरेबल लेना है। जैसे मान लो मैंने 10 एम्पियर की करंट दी है इनपुट में, तो उस पॉइंटर को भी 10 एम्पियर करंट शो करनी चाहिए, पर वो 10 एम्पियर करंट शो नहीं करके मान लो उसकी स्केल रेंज है 50 एम्पियर, तो हमें को कितनी वैल्यू शो करेगा, 50 एम्पियर। तो उसे 10 एम्पियर पे लाने के लिए जो है एक कंट्रोलिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। वो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क में क्या होता है कि हमें उस पॉइंटर को क्या करना है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। ठीक है, तो ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है मतलब मैंने 10 एम्पियर दिया, मतलब वो पॉइंटर कहाँ के रुकना चाहिए, 10 पे। अभी वो कहाँ है, 50 पे, जब सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क कब उसको लाएगा 10 एम्पियर पे, जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के जब इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, प्रोपोर्शनल यदि वो होंगे,
तब जाके वो पॉइंटर जो है एग्जैक्टली उसी 10 एम्पियर पे जाके रुकेगा, क्योंकि दोनों साइड से क्या होगा, इक्वल फोर्स लग रहा होगा, और इक्वल फोर्स लग रहा होगा और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, और बैलेंस करने से क्या होगा, वो पॉइंटर एक जगह पे वहाँ फिक्स वैल्यू पे जाके पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल टॉर्क के दो पर्पज़ होते हैं, द प्रोड्यूस आउटपुट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, मतलब जो आउटपुट आ रहा है कंट्रोलिंग टॉर्क का वो इनपुट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, दोनों का फोर्स इक्वल होना चाहिए। सेकेंड है टू ब्रिंग बैक द पॉइंटर टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन इन द एबसेंस ऑफ इनपुट एट स्टेडी स्टेट बोथ डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क जो होते हैं वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, पर जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट द मूविंग सिस्टम प्रोड्यूस ऑसिलेशन। दोनों इक्वल फोर्स हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉइंटर पे फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, उसकी वजह से क्या होगा, पॉइंटर जो है कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड उस पोजिशन में 10 एम्पियर की कभी लेफ्ट कभी राइट साइड में मूव करता रहेगा, मतलब वो ऑसिलेट करेगा, वो भी हमारे लिए डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। उसके लिए हम आगे जो पढ़ते हैं वो होता है डैम्पिंग टॉर्क, उसको बाद में देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कराया जाता है। तो इसके दो मेथड होते हैं, दो मेथड में कौन कौन से होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। तो यदि हम स्प्रिंग कंट्रोल की बात करें तो स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, दो टाइप की स्प्रिंग्स होती हैं, हेलिकल स्प्रिंग और स्पाइरल स्प्रिंग। हेलिकल क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है, मतलब रेखीय गति, और स्पाइरल स्प्रिंग में क्या होता है, रोटेशनल मोशन होती है। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, उसमें एंगल पे डिपेंड करेगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा हेलिकल में। यहाँ पे ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज दी गई है कि स्ट्रेन होती है जितना उसकी लेंथ में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल उसकी जो लेंथ है। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर एरिया, और यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस पर स्ट्रेन। ये तो प्रॉपर्टीज़ है, ये हमारे किसी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें देखना है कि स्प्रिंग कंट्रोल कर कैसे रहें। तो यदि हम हेलिकल स्प्रिंग की बात करें तो हेलिकल में क्या होगा, मान लो ये दो प्लेट है, दोनों को चार्ज दिया गया, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, जो मूविंग प्लेट है ये तो फिक्स्ड है, तो ये मूविंग प्लेट पर फोर्स लगेगा, ये क्या करेगी, इधर मूव करेगी, ठीक है, किस साइड पर मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। पर जो स्प्रिंग है वो क्या है, अपनी इलास्टिसिटी के गुण को वापस की वजह से क्या करती है, उसी पोजीशन में आना चाहती है जिसमें पहले थी। तो जब इसको इधर प्रेशराइज किया जा रहा है, मतलब इसे प्रेशर लग रहा है, तो ये इधर इकट्ठी हो रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, वापस उस प्लेट को उधर भेजने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जितना डिफ्लेक्शन टॉर्क लग रहा है उतना ही स्प्रिंग प्रोपोर्शनली कंट्रोलिंग टॉर्क उस पर लगा रही है, जिससे वो प्लेट एक फिक्स जगह पर रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस प्लेट का, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग के, और उसको बोलते हैं एफ सी प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ सी प्रोपोर्शनलिटी कौन सी, यदि के माने तो के इक्वल टू क्या जाए, एफ सी बाई एक्स। अब यदि हम स्पायरल स्प्रिंग की बात करें तो स्पायरल स्प्रिंग में क्या होता है, रोटेशनल मोशन होती है, मतलब एंगुलर मोशन होती है। यहाँ पे स्पायरल स्प्रिंग लगाई गई है सर्कुलर टाइप में, ठीक है। अब ये पॉइंटर है, मान लो इस पे डिफ्लेक्शन टॉर्क लग रहा है इस साइड पे, जब डिफ्लेक्शन टॉर्क लग रहा है इस साइड पे, तो ये पॉइंटर इधर मूव कर रहा है, उसके साथ ये हेलिकल सॉरी स्पायरल स्प्रिंग है वो भी इधर मूव कर रही है, ठीक है। तो स्प्रिंग के इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से क्या करेगी, स्प्रिंग वापस उधर जाना चाहेगी। तो जो स्प्रिंग जो टॉर्क लगा रही है, फोर्स लगा रही है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो क्यों कितना लगेगा, जितना इधर थीटा से डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना थीटा से वो इधर घूमेगा पॉइंटर, उतने ही थीटा एंगल से स्प्रिंग वापस उसको वहीं ले जाने की कोशिश करेगी। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे और उसको एक जगह पे स्टेबल कर देंगे। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो थीटा एंगल से घूमी है स्प्रिंग उस पर, तो टी सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, थीटा। तो टी सी इक्वल्स टू के सी थीटा। के सी यहाँ होगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, जिसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर पर डिग्री या न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि स्टेबल कब होगा, जब हम बोल रहे हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क
स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होने की वजह से पॉइंटर एक जगह रहेगा, ठीक है, एक जगह नहीं रहेगा पर ऑसिलेट करेगा उस पर्टिकुलर रीडिंग के आसपास, ना कि फुल स्केल वैल्यू दिखाएगा। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल होगा तो हम देखते हैं क्या होता है। मान लो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, हमने करंट दिए उस इंस्ट्रूमेंट के, तो टी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के डी आई, के डी क्या है, कॉन्स्टेंट है, और स्प्रिंग यदि कंट्रोल कर रहे हैं तो टी सी इक्वल टू के सी थीटा हमने पढ़ा ही है पहले, ठीक है, ये के सी थीटा। अब स्टेडी स्टेट क्या होगा, दोनों टॉर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होगी पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। जब हम इक्वल करेंगे तो थीटा प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, आई के। तो यहाँ पे जो स्केल होगी उस स्प्रिंग कंट्रोल में वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली और आई है सिर्फ, तो यूनिफॉर्म स्केल होगी, ठीक है, लीनियर स्केल होगी। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, ड्यू टू एजिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है, अब मान लो स्प्रिंग क्या है बार बार शिफ्ट हो रही है इधर से इधर, तो ये ढीली हो जाएगी, ठीक है, ढीली होने के कारण क्या होगा, जो इसका कॉन्स्टेंट है के सी वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा या कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। कम होने की वजह से क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू क्या है, के डी बाई के सी इंटू आई, तो के डी बाई के सी इंटू आई है, के सी कम हो रहा है तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब जितना उसको एंगल शिफ्ट करना चाहिए था उससे ज़्यादा एंगल वो शिफ्ट होने लग जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग की जो है वो एजिंग के कारण क्या हो रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो गई है। थर्ड यदि देखें टेम्परेचर इफेक्ट, सॉरी सेकेंड, टेम्परेचर इफेक्ट के कारण क्या होता है, उसकी जो है लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर्टीज़ है वो डैमेज हो रही, मतलब जो कॉन्स्टेंट हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ का माना है वो क्या हो रहा है, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, और थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, उसकी वजह से भी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। सेकेंड यदि हम बात करें ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है, तो ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, उस पॉइंटर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक वेट अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो ये वेट है डब्ल्यू सी, ये क्या है, कंट्रोलिंग वेट है, और यहाँ पे एक वेट और लगाया जाता है जीरो एडजस्टिंग वेट। इसका काम क्या होता है कि जो पॉइंटर का वेट है उसको बैलेंस करना, ठीक है, उसको ज़ीरो पे बैलेंस करके रखना, ठीक है। अब यहाँ कंट्रोलिंग वेट जो लगाया है डब्ल्यू सी, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, मान लो जो है पॉइंटर पे डिफ्लेक्शन टॉर्क लग रहा है इस साइड पे टी डी, ठीक है, पॉइंटर ने मूव किया यहाँ पे, तो पॉइंटर के साथ ही अटैच रही है, ठीक है, तो पॉइंटर के साथ अटैच है, जब पॉइंटर यहाँ मूव करेगा तो ये भी इधर मूव करेगा, ठीक है, पर यहाँ पे वेट अटैच है, ये वेट अटैच शिफ्ट हुआ है वहाँ पे, तो ये वेट के कारण क्या होगा, वापस एक इधर टॉर्क लगेगा, ठीक है, वापस इधर शिफ्ट होना चाहेगा ये, तो जो शिफ्ट हो रहा है वापस इधर इस साइड पे, वो क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे तो इस साइड लग रहा है, तो इधर कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ लगेगा, इस साइड, क्योंकि पॉइंटर को मूव कहाँ कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो टी सी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये। तो एक वेट को अटैच करके भी हम ग्रेविटी कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो वेट है वापस यहाँ क्यों आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से ही आ रहा है उसी पोजीशन पे। मान लो किसी गेंद को ऊपर फेंका, वापस नीचे आके गिरती है, ठीक है, वो क्या किस वजह से होता है, ग्रेविटी के कारण। अब यदि हम देखें कि कितना ये किस पे डिपेंड करेगा, ये थीटा पे डिपेंड करेगा, तो थीटा की यदि हम बात करें तो साइन थीटा वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इधर जो टॉर्क लग रहा है वो टी सी है, ठीक है, और पॉइंटर के लिए टी सी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो साइन थीटा की बात करें तो इस डायरेक्शन में कितना वेट है, उस एल लेंथ का डब्ल्यू वेट लटका हुआ है एल लेंथ पे, तो इधर टॉर्क कितना जो है डब्ल्यू इंटू एल, और यहाँ पे टी सी टॉर्क है, तो दोनों को यदि कंपेयर किया जाए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सी बाय डब्ल्यू एल, लंब बटा आधार, ठीक है, तो टी सी इक्वल टू डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है, जी डॉट एल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एल, तो टी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल इंटू साइन थीटा, डब्ल्यू एल कॉन्स्टेंट है तो टी सी इक्वल टू के जी साइन थीटा लिख सकते हैं, और टी सी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल में एक वेट कनेक्ट किया जाता है, जबकि स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, स्प्रिंग होती है डायरेक्टली, उसमें डायरेक्टली थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। इसमें जो एडवांटेज क्या है इसकी, ना कोई एजिंग इफेक्ट होता है, जैसे स्प्रिंग में एजिंग इफेक्ट था, टेम्परेचर इफेक्ट था, यहाँ दोनों ही नहीं होते हैं, ठीक है, और जो कॉस्ट होती है वो स्प्रिंग कंट्रोल से भी कम होती है, क्योंकि एक सिर्फ वेट कनेक्ट करना होता है।
यदि हम ग्रेविटी कंट्रोल के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही रखना पड़ता है। वर्टिकल पोजीशन में इसलिए क्योंकि वेट जो है, ग्रेविटी जो है, वो वर्टिकल पोजीशन में ही काम करेगी। सेकंड जो है, लेवल ज़ीरो एरर को रिमूव करना ज़रूरी होता है। इसको हमेशा एक प्लेन पे रखना होता है, ठीक है। द प्लेस वेयर वी आर कीपिंग द मीटर मस्ट बी प्लेन सरफेस, अदरवाइज देयर इज लेव, मतलब वो पॉइंटर है फिक्स जीरो पे जाके शिफ्ट नहीं होगा, वहाँ लेवल ज़ीरो एरर आती है, तो उसको एकदम प्लेन सरफेस पे रखना पड़ता है। ये इसकी एप्लीकेशन किस में काम में आती है, ग्रेविटी कंट्रोल किस में काम में लिया जाता है, वॉल माउंटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट में या पैनल बोर्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट में काम में लिया जाता है। अब जैसे स्प्रिंग कंट्रोल में देखा था कि टी डी जो है प्रोपोर्शनल टू आई था और टी सी प्रोपोर्शनल टू थीटा था, तो यहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होगा, टी डी प्रोपोर्शनल टू आई है और टी सी प्रोपोर्शनल टू क्या मैंने बोला था, साइन थीटा है। तो दोनों को जब इक्वल करेंगे स्टेडी स्टेट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, के जी साइन थीटा इक्वल टू के डी आई, साइन थीटा इक्वल टू के डी बाई के जी इंटू आई, और साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आई, क्योंकि ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आई। जो स्प्रिंग कंट्रोल था उसमें क्या था, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था करंट के, और जो ग्रेविटी कंट्रोल है उसमें क्या है, थीटा प्रोपोर्शनल टू साइन इनवर्स आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगी, और जो स्प्रिंग कंट्रोल है उसमें क्या थी, यूनिफॉर्म स्केल।